ये दाल तो कम है, पानी ज्यादा है। इधर देख लो, पहले सामने देख, देखो ये क्या दशा है, देख लीजिए है ना, रख ही है ये क्या है, ये दाल है, ये लाओ नहीं लाओ तो सब्जी, ये नेनुआ की सब्जी, तुरैया बोलते हैं इसको भाई, ये तो बड़ी खराब दशा, ये कैसे कर रहे हैं भाई आप लोग, क्यों इतना बताने में आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, ये एक ही तस्वीरें थी फिरोजाबाद की, जिसमें एक सिपाही पुलिस मैस में मिलने वाले खराब खाने को लेकर फूट फूट कर सड़क पे ही रोता नजर आया। और अब ये तस्वीरें हैं मैनपुरी की, जहां पुलिस अधीक्षक ने जब पुलिस लाइन की मैस का औचक निरीक्षण किया तो खराब खाना देखकर भड़क गए। खाने की क्वालिटी इतनी खराब थी कि एसपी साहब का पारा हाई हो गया। दाल की कंडीशन देखी तो वो खुद हैरान हो गए, दाल में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था, और दाल तो बस नाम के लिए थी। ज्यादा पानी वाली दाल देखकर एसपी साहब मैस प्रबंधक पर इतना भड़के कि नालायक तक बोल दिया। ये दाल तो कम है, पानी ज्यादा है, इधर देख लो, पहले सामने देख, देखो ये क्या दशा है, देख लीजिए ना, रख ही है ये क्या है, ये दाल है, ये लाओ नहीं लाओ तो सब्जी, ये नेनुआ की सब्जी, तुरैया बोलते हैं इसको भाई, ये तो बड़ी खराब दशा, ये कैसे कर रहे हैं भाई आप लोग, क्यों इतना बताने में आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, ये खराब खाने को लेकर भड़के एसपी कमलेश दीक्षित ने खाना ले रहे पुलिस वालों से भी कहा कि अगर खराब खाना मिल रहा है तो आप लोगों को बताने में क्या दिक्कत है। अब ये तो बात रही दाल और सब्जी की, लेकिन जब रोटियों की हालत देखी तो वो और भी ज्यादा खराब नजर आई। रोटियां बिल्कुल सूखी हुई थी, जिसके बाद जब पूछा गया कि खाने की क्वालिटी ठीक कब की जाएगी तो 2-3 दिन की बात सामने आई, जिसके बाद एसपी साहब और भड़क गए और कप्तान साहब बोले तब सुधार होगा जब फिरोजाबाद की तरह दिख जाएगा, अगर खाना मन से बनाया जाए तो उसमें स्वाद अपने आप आ जाता है। अब जब फिरोजाबाद दिखा दिया गया तब सुधार होगा, यही किसी बात की सर्दी मिलती है, मन से जब बनाया जाता है तो स्वाद अपने आप आता है। इस मामले में जब हमने एसपी साहब से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। खाने में की गुणवत्ता में कुछ कमी लगी, उनको हिदायत किया गया, निर्देशित किया गया, ये हमारे रूटीन कार्यों में शामिल है कि हम जब भी पुलिस लाइन जाते हैं या थाने जाते हैं तो कर्मचारियों के वेलफेयर पे ध्यान रखते हुए उनके मेस का निरीक्षण करते हैं, उनके आवासीय परिसर का निरीक्षण करते हैं, बैरक का निरीक्षण करते हैं, और कोई कमी पाई जाती है तो उसको बेहतर करने के लिए निर्देशित किया जाता है। उस दिन भी इसके लिए चेक किया गया था, फिर जाकर के दूसरे दिन की इस चेकिंग का क्या परिणाम रहा, चेक किया गया तो खाना पहले से बेहतर बना, कर्मचारियों द्वारा इसको अप्रिशिएट भी किया गया कि अब अच्छा खाना मिल रहा है, तो ये हम रेगुलरली कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए काम करते रहते हैं। फिरोजाबाद में जब सिपाही का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस मैस में बनने वाले खाने को लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े होने लगे, ये मुद्दा राजनीतिक भी बना। अब मैनपुरी में तो औचक निरीक्षण में खाने की क्वालिटी का खुलासा हो गया, लेकिन अभी ना जाने कहां कहां पुलिस वालों को ऐसा ही खराब खाना मिलता होगा। ये खबर हमें भेजी है मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह ने, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।